यहां तक कि उन्होंने शाही दरबारों को हटा के अपने दरबार खड़े कर दिए थे। अब बस भी करो भाई, कोई और भी बात की जा सकती है कि बस ये मायूसी की भैरवी ही होती रहेगी। हमारे नाना को महीनों बीत गए, ना अपील ना सुनवाई, ना वकील ना रिहाई ना सजा। श्याम मेरे मौला, ये मासूम आवाजें क्यों मेरा पीछा कर रही हैं? मियां, अवध की बादशाही खत्म हो गई, सुल्ताने आलम वाजिद अली शाह को तख्त से उतार लिया गया है। अब समझ में आया कि कितना बड़ा हादसा है। अल्लाह के बंदे, किसी जादू टोने के असर में हो क्या? बोलते क्यों नहीं? मेरी बच्ची, खुदा का लाख लाख शुक्र है। लो मियां, लो तुम्हारी पसंद की पकौड़ियां बनाई हैं। देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो मियां, शुक्र है खुदा का कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी बच्ची भी। अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि हम सब सही सलामत हैं। लो खाओ पकौड़ी। फलकारा, कुछ देर पहले ही आंख लगी है, बहुत दिनों बाद सोई है बच्ची। वो उठेगी तो उसके लिए मीठी पकौड़ियां बना दूंगी, उसे बहुत पसंद है। माशाल्लाह बड़े शौक से खाती है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से घर आ गए। फलाकारा की माँ भी इसी अंदाज से पकौड़ियाँ बनाती थी और चटनी भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी। मियाँ, लखनऊ वाले ऐसे ही बनाते हैं। जुमेराती की अम्मा, तुम्हारा एहसान मैं इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में नहीं चुका सकता। लो मियां, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं साल भर जेल में रहा और तुमने मेरी बच्ची की परवरिश की जिस तरह जिम्मेदारी ले ली और उसको मां का प्यार दिया, तुम मानो ना मानो लेकिन ये तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ए मियां, मैं क्या किसी पर एहसान करूंगी? अरे मैं बेवा, बेसहारा, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे, दो रोटी की मोहताज हूं। मियां, तुमने रोटी दी, इज्जत दी और मुझे जो सहारा दिया, उस एहसान को तुम ही बताओ क्या नाम दूं? ठीक कहती हो जुमेराती की अम्मा, मुझ पर दरोगा नबी बख्श ने तरस खाया, वरना मैं तो गोमती के किनारे तीतर और बटेर लड़ाया करता था। ऊपर वाले के खेल ऊपर वाला ही जाने, हम सब तो कठपुतलियां हैं,
पल में शाह पल में फकीर। मियां बंदों का काम है कर्म करना, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। देखो मियां, तुम्हें घर आए 4 दिन हो गए, ना तुम्हारे पास सोने की अशर्फियां हैं, ना तुम्हारे पास सोने का पिंजरा है। तुमने जो 100 चांदी के सिक्के मुझ पर रखवाए थे वो तो पहले ही आधे खर्च हो चुके हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सुल्ताने आलम के हुक्म से पिछले माह की रसद कम नहीं हुई, वरना मैं भला अकेली जान क्या क्या कर लेती। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की जिसके सिले में परवरदिगार ने मुझे इतना कुछ दिया। रास्ते में कोई बता रहा था, दरोगा आमिर अली ने गोमती के किनारे एक अंग्रेजी टुकड़ी को मात दी थी। अल्लाह उनके हक में खैर करे। लखनऊ की तारीख में ये 1857 किस कदर स्याह होगा। आपने जो कुछ बयान किया उसमें जुमेराती की अम्मा का किरदार अहम नजर आता है। बेशक, वो गरीब औरत बड़ी बाकिरदार थी। उसने फलक आरा को मां की ममता दी और घर का ऐसा ख्याल रखा जैसे वो उसी का घर हो। वो घर का असबाब और रकम लेके फरार भी हो सकती थी। मगर उस वक्त भी यही औरत यानी जुमेराती की अम्मा थी जो उनका हौसला बढ़ा रही थी। साहेबजादे, आपने दुरुस्त फरमाया। जुमेराती की अम्मा के बार बार असरार करने पर हमारे नाना काले खां 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकले, वो भी बेदिली से। लेकिन उन्हें नौकरी कहाँ मिलती, अंग्रेजी उन्हें आती नहीं थी, खुशामद पसंदी से वो नावाकिफ थे। सो अंग्रेजों की पलटन में उनका होना नामुमकिन था। सो मायूस होकर घर लौट आए। जुमेराती की अम्मा उन्हें फिर उकसाती और कहती, यूं घर पे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, घर का रसद खत्म हुआ चाहता है। फिर एक दिन उन्हें किसी की जुबानी ये पता चला कि सुल्तान अवध नवाब वाजिद अली शाह गिरफ्तार करके कलकत्ते भेज दिए गए हैं और दरोगा नबीबख्श ताऊ से चमन में अब भी डटे हैं। जी, क्या फरमाया आपने? सुल्ताने आलम वाजिद अली शाह सल्तनत से जब बेदखल हो गए तो जाहिर सी बात है उनके मुलाजिमों को भी हट जाना चाहिए, फिर वो किस हैसियत से वहां डटे रहे। दरोगा नबीबख्श बुनियादी तौर पर रवादार और वफादार इंसान थे। जब गोरों ने लखनऊ पर धावा बोला तो सुल्ताने आलम को बेदखल करके लखनऊ पर अपना कब्जा जमा लिया। जाहिर है कैसर बाग भी उनका हुआ। लेकिन उनका यह फैसला भी जान जोखिम वाला रहा होगा। जब सुल्तान ही नहीं रहे तो सुल्तान के मुलाजिम की क्या हैसियत। जी हां साहेबजादे, आपने दुरुस्त फरमाया। ये बात नबी बख्श ही बता सकते थे कि उनके नजदीक रवादारी और वफादारी का क्या मायने है। सुल्तान अवध ने उनको ताउसे चमन के परिंदों और जानवरों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक रोज हमारे नाना ने किसी से सुना कि दरोगा नबीबख्श बगैर नागा कैसर बाग में सुबह शाम आते हैं, तो वो एक दिन सुबह सुबह भागकर उनके घर पहुंचे। Thank you.
ये शरीफ लोगों के घर आने का वक्त नहीं है। मैं तो बस दीदार भर के लिए आया हूं। ताऊ से चमन जा नहीं सकता। और सुना है दरोगा साहब पाबंदी के साथ सुबह शाम वहीं मौजूद रहते हैं। भाई मैं सिर्फ एक झलक देखकर उनको अपना आदाब कहना चाहता था, सलाम कहना चाहता था। अपने आप को संभालो काले खां। दरोगा साहब, सरकार ये क्या हो गया? लखनऊ लूट गया, लखनऊ लूट गया, सारा बाग गुजर गया दरोगा साहब। ये तो सब वक्त की माया है, इसके खेल निराले हैं। वक्त पर भला किसने कमन डाली, ये जाने किस पर मेहरबान हो जाए, और जाने किस लम्हा पहाड़ बनकर सर पर टूट पड़े। काले खां, तुम्हारी रिहाई की खबर मुझे कल मिली, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? दरोगा साहब, तो मैं बहरा हूं, अंधा हूं, गूंगा हूं, अपने आप को वक्त के हवाले कर दिया है। पर दरोगा साहब, आप किस हिम्मत के साथ कैसर भाग जाते हैं? मजबूर हूं, फर्ज निभा रहा हूं। ये दीवाने फिरंगी इस कदर मगरूर हो गए हैं कि अभी दो रोज पहले इन्होंने असद चमन में पिंजरे में बंद दो जानवरों को गोली मार दी और कह दिया शिकार कर रहे थे। हद हो गई, भला किसी ने पिंजरे में बंद जानवरों का शिकार किया है? अगर सुल्तान आलम को इस बात की खबर होगी तो क्या सोचेंगे वो कि दरोगा नबी बख्श ने अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से मुंह फेर लिया? सरकार, मेरी हैसियत तो नहीं कि आपको मशवरा दे सकूं, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर आप कलकत्ते चले जाइए हुजूर। काले खां, जान बचाएं तो ईमान को खतरा है। सरकार, अब यहां लखनऊ में कौन ईमान की बात कर रहा है? अपने दिल पर पत्थर रखकर आप भी कलकत्ता चले जाइए हुजूर। हमारे बीवी बच्चे भी सुबह शाम यही कहते थे। क्या कहा हुजूर? यही कहते थे? उन्हें क्या हुआ? काले खां,
तुम परेशान ना हो, हमने उन्हें कल ही कलकत्ता रवाना कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हुजूर। काले खान, हम मजबूर भी हैं और तुमसे शर्मिंदा भी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दरोगा साहब, ऐसा ना करिए। तुम्हारे लिए एक अफसोस की खबर है, हमारे छोटे मियाँ यानी दरोगा अमीर अली अंग्रेजों से टकरा गए और जहाँ बहक हो गए। अंग्रेजों ने उनकी छावनी पर धावा बोला, बेरहमी से कत्लो गारत किया और तमाम मालो असबाब लूट कर चले गए, जिसमें तुम्हारा सोने का पिंजरा भी था और तुम्हारी अशर्फियां भी थीं। दरोगा साहब, मैं अपनी नहीं आपकी जान की कसम खाकर कहता हूं कि छोटे मियां की मौत का मुझे बेपनाह मलाल है, और जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो मेरी कभी थी ही नहीं। यकीन जानिए, मुझे उनसे कभी कोई लगाव नहीं रहा। हुजूर, मुझे आप मिल गए, मेरी बच्ची फलक आरा मिल गई। मैं समझता हूं अल्लाह ने मुझे सारी नियामतें दे दी। हुजूर, काले खान, तुम सचमुच गुदड़ी के लाल हो। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम आते ही हमसे मुतालबा करोगे कि लाइए मेरे सोने का पिंजरा, लाइए मेरी सोने की अशर्फियां। मैंने तो आपके हवाले की थी, मैं क्या जानू छोटे मियाँ को। लेकिन काले खान, तुम तो साहिब किरदार हो। दरोगा साहब, आपकी चंद सोहबतों की कसम, आप जैसे बाकिरदार इंसान की जूतियों के सदके हमने पूरी उम्र गुर्बत पे काट दी, पर अपने दामन पर कभी धब्बा नहीं लगने दिया। काले खान, अवध की सरहदों से बाहर चले जाओ, जहां तुम्हारे अपने लोग हों, जहां तुम अपने आप को महफूज महसूस कर सको। यहां किसी भी लम्हा कुछ भी हो सकता है, कोई कोई कुछ भी कर सकता है। हुजूर, तुम यहां से चले जाओ काले खान, दूर चले जाओ। लेकिन हुजूर, मेरी जान से ज्यादा खतरा तो आपकी जान को है हुजूर। काले खान, हम में और तुम में यही तो फर्क है, हमने सुल्तान आलम से वादा किया है। बेजुबान जानवरों और परिंदों की हिफाजत का हम सुल्तान आलम से वादा खिलाफी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते काले खान, नहीं कर सकते। काले खान, ये शहर छोड़कर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ काले खान, दूर चले जाओ। मियां साहेबजादे, 1857 ने लखनऊ पर गजब ढाया। अंग्रेजों ने वो शातिराना चाल चली कि हिंदुस्तानी रजवाड़े एक एक कर उनके कब्जे में आते चले गए, और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। और सर, आपने जो कल किस्सा सुनाया था, मुझे नबी बख्श का किरदार जबरदस्त नजर आया। अब भला आप ही बताइए कि वो सुल्तान आलम के वफादार थे या उनके चरिंद परिंद के? वो कब तक कैसर बाग के ताऊ से चमन और असद चमन के दरोगा रहे? भाई, वो पठान आदमी थे, उनके आगे
सुल्तान आलम को दिए गए कॉल की अहमियत के अलावा कुछ और अहम था ही नहीं। और अंग्रेजों की क्या पूछते हैं आप, उनके दिमाग तो सातवें आसमान पर थे। एक दिन एक मगरूर अंग्रेज अफसर ने असद चमन में घुसकर अपनी बंदूक से 3-4 बेजुबान जानवरों का शिकार कर डाला। यानी कट घरों में बंद शाही जानवरों का शिकार, ये तो वैशीपन है। मैंने अर्ज किया ना, उनके दिमाग सातवें आसमान पर थे। उस मगरूर अंग्रेज अफसर ने 3 बेजुबान जानवरों का शिकार करने के बाद अपनी बंदूक की नली सुल्तान आलम की लाडली शेरनी की तरफ मोड़ दी। उसी वक्त दरोगा नबी बख्श ने देखा और दौड़कर वो कटहरे के सामने एन शेरनी के आगे खड़े हो गए और उस मगरूर अंग्रेज अफसर को ललकार कर कहा, ए मगरूर अंग्रेज अफसर, मेरी नजर में न तुम मर्द हो न शिकारी। अगर मर्द या शिकारी होते तो जंगल में शिकार करते, कटहरे में बंद जानवरों का शिकार न करते। ए मगरूर अफसर, होश में आओ। तो क्या उस मगरूर अफसर ने दरोगा नबी बख्श की बात का असर लिया? उस मगरूर अंग्रेज अफसर ने बंदूक का खोड़ा दबाया और एक जोर का धमाका हुआ, एक गोली से 2 जाने गई। सर, ऐसे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दौर ही ऐसा था, अंग्रेज कौम नशे में थी, वो आपे से बाहर थे। दूसरे रोज हमारे नाना को खबर हुई कि दरोगा नबी बख्श का खात्मा उन्हीं की कैसरबाग में बड़ी बेरहमी से हुआ। चंद घंटे वो जहां के तहां बैठे रह गए। मिया, देखो, जान है तो जहान है। अब यूं समझ लो कि लखनऊ से तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं। देखो, मासूम बच्ची का साथ है हमारा। खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा। मैं बेवा अभागिन क्या खाकर उसकी परवरिश करूंगी। और मियां, मैं तो खुद तुम्हारी मोहताज हूं। और फिर तुम ही तो बता रहे थे कि दरोगा साहब ने तुमसे 3 बार कहा कि देखो यहां के हालात ठीक नहीं है, यहां से निकल जाओ। मियां, तुम मेरी नहीं सुनते तो तुम उन्हीं की सुन लो। देखो मियाँ, मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ खोया है ना, उसे बच्ची की जान का सदका समझो। अब मियाँ देखो, ऐसे काम ना चलेगा। बस अब हिम्मत जुटाओ, अल्लाह का नाम लो और सफर के लिए कमर कस लो। क्या सोच रहे हो मियाँ? चलो जुमेराते की अम्मा, लखनऊ से दाना पानी उठ गया। सामान बांधो। चलो, अल्लाह का शुक्र है, सामान और सबाब है ही कितना, बस कुछ गठिया ही तो बांधनी है, बांधे देती हूं। पर कुछ सोचा है कहां जाना है? हाँ, हम लोग बनारस जा रहे हैं। बहुत पी लिया गुमती का पानी, वहां गंगा का पानी पियेंगे,
टीवी वाले, अखबारों वाले, पुलिस वाले।